चैलेंज था वो ये था कि जो पेशेंट्स थे वो बहुत बढ़ रहे थे और हमारे हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी नहीं थी, नंबर वन. दूसरी, हॉस्पिटल में जो लोग काम करते हैं उनकी ट्रेनिंग नहीं थी कि हाउ टू हैंडल देम. 2019 में पेंडेमिक के क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप में कलेक्टिव विजडम एंड एफर्ट से एक्सपो सेंटर में फील्ड आइसोलेशन सेंटर, जो कि कोविड का आइसोलेशन सेंटर था, वो बनाया गया और इसके अंदर जोन्स रखे गए. हम इस वक्त मौजूद हैं ग्रीन जोन में, जो इन्फेक्शन फ्री जोन है. बीच में ऑरेंज जोन बनाया गया जिसके अंदर फ्री लेबॉरटरी सेटअप ईसा लैब ने प्रोवाइड की और सारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज हुई. और उसके पीछे हमें नज़र आ रहा है रेड जोन. रेड जोन के अंदर मर्द और औरतों को बेहतरीन सहूलियात के साथ बेहतरीन इलाज किया गया. थैंक्स टू द US स्टेट डिपार्टमेंट कि मुझे वहाँ भेजा गया. एयरबॉर्न इन्फेक्शन कंट्रोल जो हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में हुआ, वो सारी ट्रेनिंग जो वीक्स के कोर्स थे वो मैंने सारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई. लेकिन जिस तरह अमेरिका सबके साथ मिलके चलता है, उसी तरह से हमने जो है वो सबको मिला के हम सब चले. और कलेक्टिव विजडम, ये बात भी जो मैंने एक सिवाय इन्फेक्शन डिजीज़ की ट्रेनिंग के अलावा जो बाहर से देखी कि कलेक्टिव विजडम से आप आगे बढ़ें. नॉट थिंक आउटसाइड द बॉक्स बट थिंक दैट देयर इज़ नो बॉक्स. थैंक्स टू द US गवर्नमेंट जिसने फ्री वैक्सीनेशन फाइजर की प्रोवाइड की, तो डॉक्टर ईसा लैब भी अपने सारे सेंटर्स पे फ्री वैक्सीनेशन कर रहा है. और हमने ना सिर्फ के फ्री वैक्सीनेशन प्रेमिसेस में कर रहे हैं बल्कि 150 से 200 वैक्सीनेटर्स और भी हायर हुए हैं जो कम्युनिटी के अंदर स्कूल कॉलेजेस में और जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं. मुराना मुराना कुछ भी नहीं है. नहीं नहीं, ये गलत है, ये ऐसी अफवाह है, ड्रामा है, कोई हम लोग नहीं मानते कोरोना. जब भी कोई बीमारी आती है और वैक्सीनेशंस होती है दुनिया भर में, ये तो एंटी वैक्सीनेटर्स उसके बारे में डिफरेंट चीज़ें र्यूमर्स फैला देते हैं. उसके लिए हमने प्रोग्राम्स किए जो अभी तक चल रहे हैं और आई थिंक कि उससे टीवी चैनल्स को भी अंदाज़ा हुआ कि हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है और लोगों ने भी हेल्थ को बहुत बैक सीट पर रखा हुआ था. और आई थिंक कि पाकिस्तान ने बहुत फास्ट प्रोग्रेस किया एंड आई एम लकी कि मैं इस जर्नी में, आई वॉज इन दिस जर्नी टुगेदर मेकिंग दिस जर्नी पॉसिबल. एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि मेन एंड वीमेन वर इक्वल्स और हमने यहाँ पे आके उसी चीज़ को रखा. वीमेन एम्पावरमेंट और रियलाइजेशन हुई कि जॉब्स पे तो होनी चाहिए बट हाउ डू दे गो टू द ऑर्गेनाइजेशन. तो उसके लिए हमने वी ट्रेन अबव 450 गर्ल्स कि वो बाइक चलाएं और वो आराम से ट्रैवल करके अपने ऑफिस में घर पर जा सकें. शुरू में आपको बताऊँ, लोग उनके भाई या हस्बैंड्स आ गए कि आप हमारी बीवी बेटी को या बीवी को या बहन को क्या सिखा रहे हैं. नाउ दे आर सो हैप्पी कि अब तो बीवी सुबह बच्चों को भी छोड़ती है, घर भी लेके आती है, सौदा सर भी लाती है और खुश भी रहती है. एक होता है आप ख़ुद काम कर रहे हैं विद लोकल नॉलेज और एक होता है जब आप काम कर रहे होते हैं विद इंटरनेशनल नॉलेज. और इंटरनेशनल नॉलेज का जो सबसे बड़ा समंदर पाकिस्तान में है वो पाकिस्तान US एलुमनाई नेटवर्क का है, जो US गए और वो वहाँ से रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग्स लेके आए और अब वो एक प्लेटफॉर्म पे हैं. लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो आप एक उंगली नहीं होते हैं, आप एक मुट्ठी बन सकते हैं और आप काम कर सकते हैं. द विल शुड बी देयर. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि द विल क्रिएट करें, जो हमारा रिलीजन भी कहता है हकूक़ुल इबाद के बारे में.